इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ए बी सी ऑफ मास 10 ग्राम, इसका मास जो दे रखा है वो 10 ग्राम दे रखा है आपको, ए करंट 2 एम्पीयर इज फ्लोइंग थ्रू इट, द वायर इज कीप्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, द एक्सेलरेशन ऑफ द वायर पूछा क्या होगा। अब इसमें देखो इसके ऊपर पहले मैग्नेटिक फोर्स निकलेगा, कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इसके ऊपर, एक करंट कैरिंग वायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए शॉर्टकट है कि इसके ऊपर यहाँ क्या लगा दो, एक इमेजनी कुछ से वायर लगा दो, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है तो आप इसमें करंट यहाँ से एंटर करा दो, कितने एम्पियर का, 2 एम्पियर का। इसकी जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, ये 4 है ये 5 है तो 3 सेंटीमीटर, तो इसके ऊपर 4 जो लगेगा ऊपर की तरफ लग जाएगा, यानी कि वाई एक्सिस में वी क्रॉस एल क्रॉस बी, सॉरी आई क्रॉस बी या फिर एल क्रॉस बी कर लो, तो इसमें फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो आई एल भी आ जाएगी, आई की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू में बी की वैल्यू जो दे रखी हो कितनी दे रखी है 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 इंटू में 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन, ये फोर्स लग गया इसके ऊपर। और अगर इसने एक्सेलेरेशन पूछा है तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, नेट फोर्स बाय मास, यही करोगे यहाँ पे, ये जितने मास के है तो ये भी उतने ही मास की होगी, क्योंकि हमने इसके इसको हटा के ये लगाई है, इमेजिनरी जितने मास की ये है उतनी ही लगाई है इसमें, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना है 12 इंटू में 10 के पावर माइनस 2, मास कितना देगा इसका 10 ग्राम इंटू में 10 ग्राम दे रखा है, किलोग्राम में चेंज कर लो, 10 के पावर 3 माइनस 3 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 12 इंटू में 10 के पावर माइनस 2 डिवाइड बाई में 10 के पावर माइनस 2, ये कैंसिल आउट, यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर अलोंग y एक्सिस। एनी डाउट?